Hello student, myself Neeraj Singh and welcome in Incredible Physics by Neeraj Singh. तो स्टूडेंट जैसे कि आज का आपको टॉपिक आप देख ही रहे हैं, आज का टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ टाइम इंटरवल. देखिए स्टूडेंट, मैंने बोला टाइम इंटरवल को आप टाइम ड्यूरेशन भी कह सकते हैं. ध्यान रखिएगा टाइम ड्यूरेशन और टाइम इंटरवल क्या होता है. तो आज आप लोगों को मैं क्लियर कर दूं, एक होता टाइम, एक होता टाइम इंटरवल या टाइम ड्यूरेशन. देखिए ऐसा स्टूडेंट होता है, सपोज कि जैसे ये टाइम T1 है, ये टाइम T2 है, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंसेस होता है दैट डिफरेंस इज कॉल्ड टाइम इंटरवल या टाइम ड्यूरेशन होता है. जैसे सपोज कि ये T1 बराबर है 3:17 एंड T2 बराबर है 3:19. तो देखिए आप स्टूडेंट आप देख रहे हैं यहाँ पे जो टाइम है एक्यूरेट है, दैट इज 3:17 या 3:17 और 3:19. लेकिन टाइम इंटरवल जो होगा वो इन दोनों का डिफरेंस होगा, यानी कि डेल्टा टी बराबर हो जाएगा T2 - T1 इज इक्वल टू 3:19 एंड -3:17, यानी यू विल गेट 2 मिनट्स. तो ये जो 2 मिनट्स है इसे टाइम इंटरवल या टाइम ड्यूरेशन कहते हैं. क्या कहते हैं सर? टाइम इंटरवल या टाइम ड्यूरेशन, यानी दो टाइम, यानी T1 और T2, यानी दो टाइम के फाइनल और इनिशियल टाइम के बीच का जो डिफरेंस होता है दैट डिफरेंस इज कॉल्ड टाइम इंटरवल या टाइम ड्यूरेशन होता है. और स्टूडेंट टाइम ड्यूरेशन और टाइम इंटरवल को मेजर करने के लिए यहाँ पे जो आज आपका मेन टॉपिक है दो इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं. एक इंस्ट्रूमेंट है, मतलब है तो बहुत इंस्ट्रूमेंट, लेकिन आज जो डिस्कशन करेंगे हम लोग वो है क्वार्ट्ज क्रिस्टल क्लॉक और दूसरा है एटॉमिक क्लॉक. इसका नाम बहुत सुना होगा आप लोगों ने, एटॉमिक क्लॉक का. ठीक है स्टूडेंट, देखिए क्वार्ट्ज क्रिस्टल क्लॉक में स्टूडेंट बहुत सिंपल सी चीज है. इसमें हम लोग एक क्वार्ट्ज क्रिस्टल का यूज करते हैं. क्या करते हैं? क्वार्ट्ज क्रिस्टल होता है और इसकी क्वालिटी ये है कि जब इसके आसपास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मतलब ईएमएफ, मैंने क्या बोला, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी कि वोल्टेज जब एस्टेब्लिश किया जाता है और वोल्टेज को जब चेंज करते हैं, उसके पोलरिटी को चेंज करते हैं, तो ये क्रिस्टल वाइब्रेट करता है. ये क्या करता है? वाइब्रेट करता है. तो इसके ऑसिलेटिंग ईएमएफ लगा के जब हम इसमें क्वार्ट्ज क्रिस्टल में जब ईएमएफ डेवलप करते हैं तो ध्यान रखिए कि ये वाइब्रेट करने लगता है. इसकी वाइब्रेशन जो है उसको हम लोग कैलिब्रेट करते हैं किससे? मीन सोलर डे, एमएसडी लिखा हुआ. देखिए स्टूडेंट एमएसडी का मतलब होता है मीन सोलर डे. क्या बोलते हैं? मीन सोलर. आप लोग जानते हैं 1 मीन सोलर डे में कितने सेकंड्स होते हैं? 86400 सेकंड होते हैं. ध्यान रखिएगा 86400 सेकंड होते हैं. तो इसका 1/86400 पार्ट्स ले लिया तो आप समझ गए होंगे ये मीन सोलर डे से हमने क्या बना लिया, 1 सेकंड बना लिया. तो इसका जो 1 सेकंड है मीन सोलर डे का, इसको कैलिब्रेट करते हैं आपको क्वार्ट्ज क्रिस्टल से. और क्वार्ट्ज क्रिस्टल जब क्लॉक है इससे जब कैलिब्रेशन करते हैं, इसको कंपेयर करते हैं, तो कंपेरिजन में हमने देखा कि ये क्लॉक काफी एक्यूरेट टाइम इंटरवल बताती है. और एक चीज और बता दें स्टूडेंट, 2 लाख साल में ये वाली जो क्लॉक है क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो है 2 लाख साल में केवल 1 सेकंड का फर्क पड़ता है. इसमें कितना फर्क पड़ता है? 1 सेकंड. यानी कि अगर 2 लाख साल तक आप मीन सोलर डे से के कंपेयर कर कैलिब्रेशन करेंगे तो अंडरस्टूड है क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो क्लॉक है 2 लाख साल में केवल 1 सेकंड में इसमें टाइम का थोड़ा सा फर्क पड़ेगा. ठीक है, समझोगे? टाइम इंटरवल का 1 सेकंड फर्क है. दूसरा स्टूडेंट हमने जो पढ़ाने जा रहे एटॉमिक क्लॉक, और एटॉमिक क्लॉक आप लोग पहले से भी बहुत अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं क्योंकि इसमें हम लोग सीजियम 133 यूज करते हैं. क्या यूज करते हैं स्टूडेंट? हम लोग सीजियम 133. तो सीजियम 133 क्या होता है? माइक्रोवेव रेडिएशन बाय वाइब्रेशन. इसमें क्या होता है? जब ये सीजियम एटम वाइब्रेशन करता है तो इसमें माइक्रोवेव रेडिएशन निकलते हैं और माइक्रोवेव रेडिएशन को हम लोग जो है मेजर कर लेते हैं सुपर कंप्यूटर से. इसे नाम मेजर कर लेते हैं. तो स्टूडेंट होता क्या है कि हमने 2 एटॉमिक क्लॉक ले ली. क्या ले ली? 2 एटॉमिक. यानी यहाँ पे जो कैलिब्रेशन कर रहे थे वो हम लोग मीन सोलर डे से कर रहे थे. किससे कर रहे थे? मीन सोलर डे से कैलिब्रेशन. लेकिन यहाँ एटॉमिक क्लॉक में एटॉमिक क्लॉक को ही एटॉमिक क्लॉक से कैलिब्रेशन करते हैं. यानी कैलिब्रेट किसे करते हैं? एटॉमिक क्लॉक एक और ले ली सीजियम की और दूसरी एटॉमिक क्लॉक ली वो भी सीजियम की ले ली. तो दोनों सीजियम के एटॉमिक क्लॉक ले लिया और इनको आपस में कैलिब्रेशन करना चालू किया. कैलिब्रेशन करने के बाद हमने देखा कि लगभग 3 लाख साल तक ये लोग कैलिब्रेट अगर आप करते थे तो 3 लाख साल ईयर में केवल 1 सेकंड का फर्क पड़ता है. यानी कि एटॉमिक क्लॉक इससे क्वार्ट्ज क्रिस्टल क्लॉक से ज्यादा एक्यूरेट मानी जाती है. ये ज्यादा प्रिसाइज है, इट इज कॉल्ड प्रिसाइज. तो एटॉमिक क्लॉक इज मच मोर प्रिसाइज देन क्वार्ट्ज क्रिस्टल क्लॉक. ठीक है, तो इसमें एटॉमिक क्लॉक, 2 एटॉमिक क्लॉक को आपस में कैलिब्रेट कीजिए और कैलिब्रेट करने पर लगभग 3 लाख साल में केवल 1 सेकंड का फर्क पड़ता है. कितने का फर्क पड़ता है? ओनली 1 सेकंड का फर्क पड़ता है. ये चीज ध्यान रखिएगा टाइम ड्यूरेशन. और एटॉमिक क्लॉक में एक सबसे प्लस पॉइंट ये होती है सीजियम के एटॉमिक क्लॉक के स्टूडेंट, जो भी हम लोग बहुत छोटा टाइम लगभग 10^-12 सेकंड तक का जो टाइम है वो इससे बहुत एक्यूरेटली हम लोग मेजर कर सकते हैं. यानी एटॉमिक क्लॉक जो सीजियम वाली होती है इसे 10^-12 सेकंड तक का टाइम ड्यूरेशन को अगर आपको मेजर करना है तो एटॉमिक क्लॉक जो है बहुत एक्यूरेट वैल्यू देती है. ठीक है स्टूडेंट, आपको समझ में आ गया? तो आज स्टूडेंट मैंने आपको ये क्लियर कर दिया टाइम इंटरवल, टाइम ड्यूरेशन क्या होता है, टाइम क्या होता है. तो ध्यान रखिएगा दो
टाइम के बीच का जो डिफरेंस होता है, देखिए ये लिखा हुआ टी टू माइनस टी वन, जो डिफरेंस होता है उसी को डेल्टा टी बोलते हैं। ये डेल्टा टी हमारा कहलाता है टाइम इंटरवल या टाइम ड्यूरेशन। ओके स्टूडेंट, तो आई थिंक आज आपको मेरे लेक्चर समझ में आ गया होगा, और इसको अगर लाइक हो गया, अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक कर दीजिएगा, और फॉर नोटिफिकेशन प्लीज के आप बेल आइकन इसको दबा दीजिएगा, और कोशिश कीजिएगा आप सब्सक्राइब कर सकते हो उसे कर लीजिएगा। और एक चीज और स्टूडेंट, मैं सारे ये मैं चैनल पढ़ा रहा हूँ, इसके जब ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा इसी चैनल में, आपको न्यूमेरिकल्स भी मैं कराऊंगा बिल्कुल लाइव डायरेक्ट, आपको क्वेश्चन दूंगा और डायरेक्ट मैं सॉल्व करके आपको दिखाऊँ, क्योंकि आप लोगों के न्यूमेरिकल्स की प्रॉब्लम आप लोगों को बहुत ज्यादा रहती, वो भी मैं आपको इसमें आपको क्लियर करूंगा, ठीक है स्टूडेंट। और एक चीज और स्टूडेंट, आप लोगों को जो भी स्टूडेंट ऑफलाइन या ऑफलाइन मुझसे क्लासेस लेना चाहते हैं आपके केमिस्ट्री और फिजिक्स का, तो वो मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और मैं डिस्क्रिप्शन में मैंने आपका अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे रखा। ओके स्टूडेंट, ओके, बाय बाय।